भारत सरकार के नवनियुक्त मंत्री रामकृपाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अब पाटलिपुत्रा से सांसद ही नहीं, भारत सरकार में मंत्री बन चुके हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री का उनका सफर कैसा रहा, आइए उन्हीं से पूछते हैं। सामान्य कार्यकर्ता मैं था, हूं और रहूंगा, और मैं समझता हूं कि ये लंबा सफर है हमारा, 34 वर्ष का सफर है। छात्र जीवन से ही मैं सक्रिय राजनीति में शुरुआत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पटना की महान जनता का ये आशीर्वाद है और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का, जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। जिम्मेवारी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में रामकृपाल यादव की भावी योजनाएं क्या क्या होंगी? नौजवानों को उन्होंने काफ़ी तरजीह दी है और मुझे भरोसा है कि उनका जो विश्वास है उसके अनुकूल पूरी उनकी टीम मिल करके उनके जो सपना उन्होंने देखा है भारत को आगे ले जाने के लिए, उसके अनुकूल सब लोग काम करेंगे और भारत एक ऊपर शिखर पर पहुंचेगा, बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा, ऐसा मुझे भरोसा और विश्वास है। बस एक आखिरी सवाल, आप नॉर्थ इंडिया के रामकृपाल यादव पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, कि रामकृपाल यादव को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत जो उनकी बोट हैं उसमें सेंधमारी के लिए आपको लाया गया है ताकि जो पिछड़ा बोट है, जो इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट, उसको और तेजी से मजबूत किया जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए उन्होंने मेरे कंधों पर दायित्व दिया है। जितने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर विभिन्न पार्टियां जो लोगों को चिट करती थी, धोखा देती थी, उन सब लोगों को परास्त करेगी भारतीय जनता पार्टी अपने कुशल नेतृत्व में। बहुत शुक्रिया। लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा संघर्ष का दूसरा नाम है रामकृपाल यादव, जिनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और आज ये भारत सरकार में मंत्री हैं। और हद तो तब हो गई जब 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से हराया। नतीजा, आज भारत सरकार के मंत्री हैं। कैमरामैन फाजिल अहमद के साथ राजेश राज, DD News, दिल्ली।